तालिबान के मसले पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर लगातार तालिबान की मदद करने और शांति प्रक्रिया को बेपटरी करने का आरोप लगा रहा है। ये तनाव उस समय उभर कर सामने आ गया जब अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान को अफगान सुरक्षा बलों के खिलाफ जंग में मदद कर रही है। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति ने एक बार ऐसी तस्वीर शेयर की जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। दरअसल अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान को तंज कस दिया। अमरुल्ला सालेह ने 1971 की भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली हार और पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता की तस्वीर शेयर कर पड़ोसी मुल्क पर कटाक्ष कर दिया। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने और बांग्लादेश के निर्माण में भारत का अहम योगदान था। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने 1971 की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, न कभी होगी। हाँ, कल मैं एक सेकंड के लिए हिल गया क्योंकि एक रॉकेट ऊपर से उड़ता हुआ आया और कुछ मीटर की दूरी पर जा गिरा। प्रिय पाक ट्विटर हमलावर, तालिबान और आतंकवाद इस तस्वीर के आघात को ठीक नहीं कर पाएंगे, कोई अन्य तरीका खोजें। सालेह के इस ट्वीट को लेकर कई भारतीय सहमति जता रहे हैं तो वहीं पाकिस्तानी आग बबूला हो गए। कुछ पाकिस्तानी यूजर्स रॉकेट हमले के दौरान उनके डरने का वीडियो भी शेयर कर उन्हें ट्रोल कर रहे थे। इससे पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर अफगान बलों को चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान को एयर सपोर्ट मुहैया करा रही है। अमरुल्ला सालेह ने ट्वीट करके कहा था कि पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की सेना और वायुसेना को आधिकारिक चेतावनी जारी की है कि स्पिन बोल्डक क्षेत्र से तालिबान को हटाने के लिए कोई भी कदम पाकिस्तानी वायुसेना को उकसाने जैसा होगा। पाकिस्तान की वायुसेना अब तालिबान को कुछ इलाकों में नजदीकी हवाई सहायता मुहैया करा रही है। यह आरोप पाकिस्तानी सेना पर उन्होंने लगाया। वहीं ईद के मौके पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर तालिबान शासन नहीं चाहता, लेकिन उसका मीडिया अफगानिस्तान में तालिबान शासन के लिए अभियान चला रहा है और पाकिस्तान अपने अस्पतालों में तालिबानी आतंकियों का इलाज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।